हरियाणा में जो हिंसा हुई है उसके बाद से सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, डीजीपी हैं, सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं और वाकई ये अलग अलग बयान ही आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, डीजीपी कुछ कहते हैं और इन्हीं बेमेल बयानों के बीच हिंसा के कारण को हम तलाश सकते हैं। सवाल सीधा सा है, क्या सरकार की चूक नहीं हुई? क्या सरकार, सिस्टम, पुलिस प्रशासन हरियाणा में सब आंख बंद करके नहीं बैठे थे? जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते हैं कि साजिश के साथ हिंसा कराई गई और तब डिप्टी सीएम हरियाणा दुष्यंत चौटाला सवाल उठाते हैं कि आखिर ब्रजमंडल यात्रा के आयोजकों ने क्यों नहीं यात्रा में शामिल होने वाली संख्या की सही जानकारी प्रशासन को दी। पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है, सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। जब गृह मंत्री अनिल विज धार्मिक यात्रा को लोकल कार्यक्रम बताते हुए हर बार जितनी फोर्स लगा देने की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं, तब केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव सवाल उठाते हैं कि यात्रा वाले और दूसरे पक्ष के पास हथियार कैसे आए। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं, उसी के तहत इनको इजाज़त दी गई थी। और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी। उसमें भी असला वसला आया तो कहां से आया? सोशल मीडिया एक ऐसी गिरी बना है कि कई चीज़ों को जो ना भी हो रही होती है वो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ के तौर पे अपलोड कर दिया जाता है। तो जो मेवात के अंदर कार्यक्रम हुआ उसका परिणाम गुड़गांव के अंदर, पलवल के अंदर, सोना के अंदर भी देखने को मिला और गुड़गांव के अंदर एक मॉस्क के ऊपर भी आग लगा दी गई, वहाँ पे एक इमाम है उसकी गोली भी लग गई। सोना के अंदर भी एक दूसरे की दुकान वगैरह, घर वगैरह भी जलाने का प्रयास किया गया। जब गृह मंत्री अनिल विज सीधे मोनू मानेसर को अभी से क्लीन चिट देते दिखते हैं, तब हरियाणा के डीजीपी कहते हैं कि मोनू मानेसर के वीडियो की भी जांच होगी। उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी SIT जांच करेगी। मेवात के सभी मंदिरों में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में। इतना ही नहीं, आप चौंक जाएंगे, हरियाणा में हिंसा के बाद सरकार और प्रशासन में बेमेल तालमेल का ये सबूत सुनकर कि दोपहर में DGP कहते हैं हर FIR की जांच SIT बनाकर करवाएंगे, शाम को मुख्यमंत्री कहते हैं SIT की जरूरत क्या है। जो ये FIR से इसके बारे में अलग अलग SITs बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, DGP वहाँ बैठे हैं, ADGP SID वहाँ बैठे हैं, हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो IG हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। SIT होती है, कोई एकाध घटना होती है और जिसमें कोई एकाध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं, इनके बैठने के बाद कोई SIT का वर्ष बचता नहीं। मुख्यमंत्री और डिप्टी CM की बात एक नहीं है, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री की बात एक जैसी नहीं है, हरियाणा के गृह मंत्री और DGP की बात में भी एक रूपता नहीं कि हरियाणा में हिंसा के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बीच अपनी जिम्मेदारी ना निभाए जाने पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है।